नगर परिषद प्रशासन ने डीएलबी के आदेशों के अनुपालना में शहर के मध्य स्थित नगर परिषद की वेस्ट पैटर्न प्रेस वाली बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाकर अतिक्रमियों के हौसले पस्त करने का कार्य किया है। नगर परिषद की इस कार्यवाही के बाद अतिक्रमियों के मन में भय व्याप्त हो गया है। शहर के अन्य स्थानों पर नगर परिषद की बेशकीमती जमीनों पर अतिक्रमण के नाम से कुंडली मारकर बैठे लोगों के मन में भी अब दहशत का माहौल है। लेकिन क्या नगर परिषद प्रशासन वेस्ट पैटर्न प्रेस वाली यह कार्यवाही शहर में स्थित अन्य स्थानों पर भी अंजाम देगी, इसको लेकर शहरवासियों के मन में कई सवाल है। कांग्रेसी पार्षद अल्पतराज मेवाड़ा ने मंगलवार को नगर परिषद तथा प्रशासन की ओर से वेस्ट पैटर्न प्रेस वाली जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए की गई कार्यवाही का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने शहर के अन्य क्षेत्रों में भी नगर परिषद की बेशकीमती जमीनों पर हो रखे अतिक्रमणों पर भी इस प्रकार की कार्यवाही की मांग की है। मेवाड़ा ने बताया कि वेस्ट पैटर्न प्रेस के ही एक बड़े भूभाग को भ्रष्टाचार वश बेचैन किया गया है। नगर परिषद प्रशासन को चाहिए कि उसकी भी निष्पक्ष जांच करवाकर उसे भी अतिक्रमण मुक्त करवाना चाहिए। मेवाड़ा ने शहर के अन्य क्षेत्रों में स्थित नगर परिषद की बेशकीमती जमीनों का जिक्र करते हुए बताया कि शहर में ब्यावर क्लब, अग्रसेन भवन तथा जय मंदिर सिनेमा सहित अन्य जमीनों को लीज समाप्त हो चुकी है। उन जमीनों को भी अगर नगर परिषद अपने स्वामित्व में लेती है तो शहर के विकास के लिए प्रस्तावित कई प्रोजेक्टों से शहर में चार चांद लग सकते हैं। वेस्ट पैटर्न प्रेस कंपनी एक लिमिटेड कंपनी थी जिसने पहले भी नगर परिषद के साथ धोखा किया है। आज 25 साल से नगर परिषद की बेशकीमती जमीन का जो उसने किराया वसूल किया लोगों से, ब्यावर के कई गोदाम के व्यवसायों की वहां गोदाम है, जिन्होंने कल एक कंपनी की वजह से अपने व्यापार को प्रभावित किया है। जबकि ये जानकारी होनी चाहिए कि जब लीज कंपनी समाप्त हो चुकी थी तो नगर परिषद ने 25 साल में इन पर कार्रवाई नहीं की। मैंने नियंत्रण 2016 से जब उसने आधी प्रॉपर्टी बेची थी वो भी अवैध है, वो भी इसी हिस्से का पार्ट है, जबकि नगर परिषद ने पूर्व में भी धोखा किया है और नगर परिषद ने ऐसे भ्रष्टाचार किए हैं जो जनता के सामने अब धीरे धीरे खुलने जा रहे हैं। अगर इसी तरह से प्रशासक ईमानदारी से कार्य करता है तो ब्यावर शहर की ऐसी बेशकीमती जमीन है, एक ही नहीं है, ऐसी अनेकों सैकड़ों जमीन है जिसे नगर परिषद अपने अंडर में ले तो नगर परिषद की हालात, शहर के हालात वैसे सुंदर हो जाएंगे, जिसे विकास करने के लिए और नगर परिषद में बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहीं आवश्यकता दूसरे कंपनियों को नहीं पड़ेगी। नगर परिषद ब्यावर ऐसी जमीन है जिसे ब्यावर बेस्ट पैटर्न प्रेस थी, आपके ब्यावर क्लब है, नर्सिंग भवन है, ऐसे बहुत बेहद कीमती जमीन है जो नगर परिषद के पास आइडेंटिफाइड है और सबकी 99 साल के लिए समाप्त हो चुकी है। किसी को भी सरकार ने जय मंदिर सिनेमा जो भी एक बेहद कीमती जमीन है जिसको भी अगर नगर परिषद अपने अंडर में ले तो मैं कहता हूं इतना बड़ा अच्छा मॉल बन सकता है कि आम जन और नगर परिषद में आय भी होगी और जो शहर के बाहर जो भूमाफिया जिस तरीके से बिल्डिंगों का निर्माण करते हैं और जिस तरीके से निर्माण के बाद में ब्यावर की भोली भाली जनता को बेच के निकल जाते हैं, जो अवैध निर्माणों की श्रेणी में आते हैं, नगर परिषद जब नोटिस देती है तो मिलीभगत कर वे न्यायालय में जाके स्टे ले लेती है और स्टे के आड़ में उन सभी ब्यावर के लोगों के साथ धोखा होता है। अगर नगर परिषद बेहद कीमती जमीन है अपने अंडर में लेके और स्कीम बनाती है तो मैं समझता हूं ब्यावर शहर का आदमी कभी ठगा नहीं जाएगा, उनके साथ धोखा नहीं होगा। तो मेरा यही कहना है कि जो कल कार्रवाई हुई ऐसी कार्रवाई अगर आने वाले समय में और हो तो ब्यावर की बेहद कीमती जमीन है जय मंदिर सिनेमा, ब्यावर क्लब, नर्सिंग भवन और ऐसी बहुत सी जमीन है जिसको आइडेंटिफाई करके नगर परिषद अपने स्तर में ले और ब्यावर का विकास कराए।